हेलो गाइज, नमस्कार। हम आप लोग के स्क्रिप्ट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में। बुखार क्यों आता है, बुखार का लक्षण क्या होता है, बुखार का उपचार क्या है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें हम कुछ घरेलू टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप बुखार को ख़त्म कर सकते हैं। ये घरेलू टिप्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस चैनल पर हमेशा घरेलू आयुर्वेदिक की टिप्स बताया जाता है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आइए जानते हैं बुखार क्यों होता है। बुखार एक आम बीमारी है जो कि प्रत्येक मानव के होती रहती है। शरीर में बाहरी संक्रमण का प्रवेश कर जाना, मौसम का अचानक बदलना आदि बुखार के कारण बनते हैं। बुखार और कुछ नहीं बल्कि शरीर की एक प्रक्रिया है। जब हमारे शरीर में कोई बाहरी संक्रमण प्रवेश कर जाता है तो शरीर उस संक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए प्रतिरोध करता है। इस प्रतिरोध में शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और इसी को हम बुखार आना कहते हैं। बुखार आने के लक्षण क्या है? जोड़ों व हाथ पैर में दर्द होना, जी मिचलाना, गले में कफ बनना, खराश होना, ठंडा लगना, शरीर में आलस्य व सुस्ती आना, शारीरिक कमजोरी आना, जरा सा काम करने पर थकान महसूस होना। कई रोगियों को बुखार में सिर का दर्द भी होता है, चिड़चिड़ापन आता है, एक जगह बैठने का मन नहीं करता है आदि, यह सभी बुखार का सामान्य संकेत होते हैं। और बुखार आने के कारण क्या? बुखार आने के कारण ज़्यादातर बुखार मौसम के परिवर्तन के कारण आता है। इसका कारण होता है कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी उन्हें आसानी से बुखार नहीं आता, फिर चाहे मौसम कैसा ही। और जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है उन्हें मौसम में ज़रा से परिवर्तन होने पर ही सर्दी जुकाम हो जाता है। तो बार बार बुखार आना इसी वजह से होता है। ऐसे में बुखार के घरेलू इलाज के लिए नुस्खे, रोजाना सुबह खाली पेट 3 से 4 तुलसी के पत्ते खाएं। रोजाना इस उपाय को करने से जीवन भर बुखार नहीं आएगी। बुखार के आयुर्वेदिक उपाय। टिप्स नंबर 1, लौंग। यह उपाय सबसे आसान है। अगर आपको सामान्य बुखार है तो आप इसे ज़रूर आजमाएं। एक लौंग अच्छे से बारीक बारीक पीसकर हल्के गर्म पानी के साथ लेने से बुखार जल्द ही ठीक हो जाता है। इस प्रयोग को आप दिन में 3 से 4 बार जरूर करें। हर बार एक एक लौंग ले। इसका प्रयोग करने के बाद खुली हवा में ना जाए व आराम करें, इससे आपका बुखार चला जाएगा। टिप्स नंबर 2, ठंडे पानी की पट्टी रखें। यदि बुखार बढ़ गया है तो एक कपड़े को पानी में भिगो के मरीज के सर पर, छाती पर और पैर पर रखना चाहिए। आधे आधे घंटे के अंतर पर कपड़े को भिगोकर निचोड़ के रखते रहने से टेम्परेचर में नियंत्रण रहता है। टिप्स नंबर 3, लहसुन के तेल से मालिश करें। लहसुन के तेल में मिलाकर गर्म करें और इस तेल से मरीज के पैरों के तलवे पर मालिश करें। अगर जुकाम है तो छाती पर, गले पर, हाथों पर और मस्तिष्क पर भी मालिश करें, इससे भी आपका बुखार खत्म जाएगा। टिप्स नंबर 4, ठंडे पानी ना पिए। दिन भर हल्का गुनगुना पानी मरीज को पिलाए। दादी माँ के नुस्खे बुखार के लिए कहते हैं, अगर पानी में नींबू या मौसमी का रस, अदरक का रस, तुलसी और पुदीने का रस, काला नमक और शहद डाल के काढ़ा बनाकर देने से आपको बुखार खत्म हो जाते हैं। टिप्स नंबर 6, शहद। एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर रोज सुबह लें। आप इसमें आधा चम्मच नींबू का रस भी मिला सकते हैं। शहद में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो बुखार के इलाज करने के लिए कारगर माने जाते हैं। ज्वर के दौरान आप शहद का सेवन बताए गए तरीके से कर सकते हैं, इससे आपका बुखार खत्म हो जाएगा। टिप्स नंबर 7, अदरक। बुखार के लिए अदरक का इस्तेमाल एक प्राकृतिक औषधि के रूप में किया जाता रहा है। इसमें एंटीवायरल जीवाणु तत्वों में संक्रमण से लड़ने में मदद और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं कि दवा के रूप में आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर हमेशा घरेलू और आयुर्वेदिक की टिप्स बताया जाता है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपको बताने से पहले इस टिप्स को प्रयोग किया गया रहता है, तभी आप लोग के साथ इस टिप्स को शेयर किया जाता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।